हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलकम गुरुजी चैनल पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, अगर आप भी MI Box 4K यूज़ कर रहे हो और आपको स्क्रीन कास्ट के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आज इस वीडियो का पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताऊँगा जिसका यूज़ करके आप बिना किसी कॉमन वाईफाई के अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने MI Box 4K के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो उसके। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्क्रीन कास्टिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दरअसल स्क्रीन कास्टिंग दो प्रकार की होती है। सबसे पहला तो होता है क्रोमकास्ट और दूसरा होता है स्क्रीन कास्ट, जिसको आप स्क्रीन मिररिंग भी कहते हैं। क्रोमकास्ट दोस्तों वो होता है जो आप ऐप में से डायरेक्टली अपने MI Box 4K या फिर Android TV के ऊपर कास्ट करते हो। जैसे कि मान लीजिए आप YouTube यूज़ कर रहे हो, तो YouTube के वीडियो के टॉप में आपको एक क्रोमकास्ट का साइन नज़र आएगा। आप उस पर जब भी क्लिक करते हो तो आपका जो YouTube का वीडियो वो डायरेक्टली आपके MI Box 4K या फिर Android TV के ऊपर कास्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप G5 यूज़ करते हो तो G5 के अंदर भी आपको ऊपर एक क्रोमकास्ट का साइन नज़र आता है। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वो पूरी की पूरी आपके स्क्रीन, आपके जो एंड्रॉयड टीवी की स्क्रीन है उस पर चली जाती है। तो ये तो होता है दोस्तों क्रोमकास्ट फीचर। एक दूसरा जो फीचर होता है वो है स्क्रीन कास्ट, जिसको आम भाषा में हम स्क्रीन मिररिंग भी कहते हैं। स्क्रीन मिररिंग के अंदर दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन की जो पूरी की पूरी स्क्रीन है वो आपके टीवी के साथ कास्ट हो जाती है। यानी कि आप अपने मोबाइल के ऊपर जो भी यूज़ करोगे वो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को, वो भी बिना किसी कॉमन वाईफाई के, आप कैसे कास्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना है ऐप्स में, और ऐप्स के अंदर हमें जाना है गेट मोर ऐप्स में, और उसके बाद हमें जाना है सर्च पे, और सर्च के अंदर हमें सबसे पहले टाइप करना है ए पावर। तो जैसे ही हम ए और पी लिखेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर कुछ ऐप्स की सजेशन आ गई है। तो इसमें जो सबसे पहली एप्लीकेशन है ए पावर मिरर, इसको आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको इंस्टॉल का बटन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, मैं वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करता हूँ। तो दोस्तों, हमारे MI Box के अंदर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद आपने अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, और यहाँ पर आपने सर्च करना है ए पावर मिरर, और यहाँ पर भी आपने ए पावर मिरर को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इस ऐप को पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे ओपन का बटन दिखाई दे रहा है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपने बाहर आ जाना है, और उसके बाद आपने सेटिंग पर जाकर सबसे पहले जिस भी फ़ोन के साथ आप अपने टीवी को कास्ट करना चाहते हो उस मोबाइल फ़ोन के हॉटस्पॉट को ऑन करके अपने इस MI Box 4K के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से अपने बॉक्स को इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा जो हॉटस्पॉट है वो इस MI Box 4K के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ अपने उस मोबाइल फ़ोन को, जिस मोबाइल फ़ोन को मैं इस टीवी के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, सिर्फ उसी के वाईफाई को कनेक्ट किया है। कोई भी मैंने यहाँ पर कॉमन वाईफाई कनेक्ट नहीं किया है। वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद अपने ऐप्स पर जाना है, और यहां से आपने ए पावर मिरर को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो मिररिंग, फोन स्क्रीन मिररिंग और पीसी स्क्रीन मिररिंग। तो यहां पर अभी फिलहाल हम फोन स्क्रीन मिररिंग के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो हम यहां पर फोन स्क्रीन मिररिंग को क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने अपने मोबाइल फोन के अंदर भी सेम ऐप को ओपन कर लेना है। यहां पर आपसे परमिशंस मांगे जाएंगे, आपने अलाउ कर देना है, और फिर आपने मिरर पर क्लिक करना है। तो अब देखेंगे कि जैसे ही मैंने मिरर पर क्लिक किया, यहाँ पर MI Box 4K का आइकन नज़र आ गया है। तो आपने इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे फिर दो बार पूछा जाएगा कि आप मिरर वीडियो ऐप्स करना चाहते हो या फिर मिरर फ़ोन स्क्रीन करना चाहते हो। तो यहाँ से हम मिरर फ़ोन स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे, तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है वो यहाँ पर बिना किसी कॉमन वाईफाई के आपके MI Box 4K के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो जैसे ही हम बाहर जाएंगे, आप देख सकते हैं बड़ा ही स्मूथली ये यहाँ पर चल रहा है, कोई ज़्यादा लैग हमें देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा आप इसको यूज़ करेंगे एक दो बार तो ये और भी बढ़िया हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इस मोबाइल फ़ोन में से लोकल कंटेंट भी चला कर दिखा देता हूँ। जैसे
मान लीजिए मेरे को वीडियोस देखनी है, तो ये जैसे मेरा ही एक अनबॉक्सिंग का वीडियो है, ये भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो ये मैं दिखाता हूँ, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, इसको आप टिल्ट करेंगे तो ये आपका फुल स्क्रीन पर चल जाएगा। आप देख सकते हैं बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के अंदर ये वीडियो चल रहा है। जैसी क्वालिटी मोबाइल फ़ोन में आ रही है, वैसी ही क्वालिटी मुझे यहाँ पर अपने टीवी में देखने को मिल रही है, और किसी भी तरह का लैग दोस्तों मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा करके आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपने MI बॉक्स 4K के साथ अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। तो अब मुझको लगता है कि आपको स्क्रीन मिरर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे आप इस ऐप की मदद से बिना किसी कॉमन वाईफाई के अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस MI बॉक्स 4K के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो क्रोमकास्ट से रिलेटेड परेशानियाँ चल रही थी वो सब दूर हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके परेशानी को दूर कर सकूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।